खंडवा के समीप संवेदनशील ग्राम हल्पा में एक किसान की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। किसान अपने खेत पर रात में फसल में पानी फेरने के लिए गया था। परिजनों और एक समुदाय के लोगों ने इस घटना के बाद थाने पर काफ़ी देर तक हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की। सूचना मिलने के बाद पुलिस का जांच दल मौके पर पहुंचा और शव को किसान की बाइक घटना स्थल से बरामद की। मृतक के परिजनों ने बताया कि शरीफ पिता मंगू रात में खेत जाने का बोलकर घर से निकला था। जब सुबह तक घर वापस नहीं लौटा तो उसकी तलाश आरंभ की और खेत पर जाकर देखा तो उसकी सिर कुचली लाश मिली। परिजनों ने गांव में ही दूसरे पक्ष के लोगों पर हत्या की आशंका जताते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस के सूत्रों के अनुसार हापला गांव में एक व्यक्ति के शव होने की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में लेकर जांच आरंभ कर दी। इधर मृतक के परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी हंगामा किया। समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि हापला में इसके पूर्व भी एक युवक की हत्या की वारदात के बाद माहौल काफ़ी गंभीर हो गया था और जिले का पुलिस बल गांव में तैनात करना पड़ा था। खंडवा से ब्यूरो की रिपोर्ट। मैंने तकरीबन 12:30 को लोगों को बोला कि चल रहा था, मैंने मना बोल गया और गए और मतलब रास्ते में किसी लोगों ने मार डाला। तुमको कैसे पता चला? हमको तो पता चला कि गांव में ऐसे बोल रही कि कोई मर्डर हो गया, तो हम गए देखने तो पापा थे। अच्छा, किसी के साथ कुछ साहब ने जिन्हें मारा है उसका बताता ना, मैं पवन सुदेश और शिव और जयपाल कुंदन और राहुल परवीन पानी लोग। तो पुलिस को बताया? अभी एफ आई आर दर्ज कराना है। पुलिस ने पूछा नाम लिखे नहीं? अभी नहीं लिखे। आए दिन विवाद होता है गांव में, क्या होता है? हाँ, आए दिन विवाद होता है। धमकी देते रहते हैं, धमकी देते हैं लोगों को। पहले धमकी दी गई क्या? हाँ, दी था धमकी। पवन ने दी थी, सुदेश ने दी थी, इन सबों ने धमकी दी थी मारने की और मैंने गया था पापा को मार डाला। तो पुलिस की शिकायत करी आपने की धमकी? नहीं गए थे, वो उनके घर पे समझा दे जाके कि भाई ऐसा तो ऐसा क्यों कर रहे। तो उसके पापा ने बोला था कि हाँ हो जाएगा सब तुम्हारा, कि आप ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर हम सुन गए थे ना भाई, आप मान गए तो कोई बात नहीं। चलिए मैं पाँची मंसूरी बाइक सुबह 10 बजे में पता लगा तो मैं खेत में गया। खेत में वापस आया, फिर भाई ने कहा सुनो कि भाई भाई को अपने मार देंगे। क्या करने गए थे खेत में? खेत में पानी वाले गए थे। कितने बजे? 12:30 12:30। तुमको कैसे पता चला कि मार दिया? लोगों ने बोला नहीं कि जांच जब हुई जब पता चला कि भाई हम तो देख के घबरा था कि मतलब क्या है पड़ा था। कैसे मारा, किस तरीके से मारा? तलवार से मारा। क्या तलवार की क्या है अब पता लगेगा। जहाँ मुँह काट दिया? पूरा मुँह काट दिया, सिर में लगी चोट। यहाँ कितने बाद होता था? हाँ होता था ना, धमकी पहले भी कोई धमकी दी गई? धमकी दी थी मेरे को पवन सिंह ने, धमकी दी थी ना कल कि तुम गांव में रहना है कि रहना है, बोले तुम गुर्रा रहे। पूरा ऐसा नाम सच बता ना, पवन सिंह कुमार सिंह धमकी देते थे? धमकी देते थे तुमको गांव में रहना है कि रहना नहीं, नीचे रूप जगह चला करो ऐसा। ठीक है, आपका नाम? महबूब मंसूरी। कहाँ रहते? हपला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।